तो दोस्तों कैसा लग रहा है हमारा ये सेटअप, और आज आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल ग्रो टू एक्टिव पे। और आज हम आपको देने वाले हैं कुछ इन्फॉर्मेटिव जानकारी जो आपको काम आएगी काफी चीजों में। जैसे कि अगर आपने लिया है कोई नया फोन तो आपको सबसे पहला ऑप्शन आएगा एक जीमेल अकाउंट क्रिएट करने का, जो आपको क्रिएट करना पड़ेगा अगर आप यूज करना चाहते हैं गूगल की सर्विसेज। और अगर आप चाहते हैं यूट्यूब पे चैनल क्रिएट करना, गूगल की सर्विसेज यूज करना, गूगल मीट, गूगल डॉक्स, काफी चीजें यूज करना, तो आपको जरूरत पड़ेगी एक जीमेल आईडी की, जो आज हम आपको बताएंगे कि कैसे क्रिएट किया जाए गूगल पे जीमेल आईडी। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों मार दो अंगूठा सब्सक्राइब पे। ट्रिक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5000 लौंडे दिख जाना चाहिए। ये 4000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ, पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा। ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। लाइक ठोकी दबा के, लाइक ठोकी यहाँ पे देखिए। ऐसा क्वेश्चन चुटकी बजाते ही सॉल्व करना सिखा देता हूँ। तो बताते हैं जीमेल आईडी कैसे क्रिएट किया जाए, वो भी विदाउट फोन नंबर। विदाउट फोन नंबर हम आपको सिखाएंगे कि जीमेल पे आईडी कैसे बना सकते हैं। दोस्तों बने रहिए हमारे चैनल साथ और चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जीमेल पे आईडी बनाना। तो जीमेल पे आईडी क्रिएट करने के लिए आपको सबसे पहले एक जरूरत पड़ेगी एक फोन की और एक अच्छे से इंटरनेट की, ताकि आप बीच में कहीं डिस्टर्ब ना हो जाए। अगर आपका नेटवर्क गया तो आपको दिक्कत हो सकती है, इसलिए आप एक अच्छा सा इंटरनेट कनेक्शन कर लें और उसके बाद आप ले लें अपना एक फोन। और चलिए हम भी बढ़ते हैं फोन की तरफ और आपको दिखाते हैं कि कैसे क्रिएट करते हैं फोन से जीमेल आईडी। वैसे तो आप जीमेल आईडी लैपटॉप से भी क्रिएट कर सकते हैं और मोबाइल से भी, बट आजकल आप जानते हैं कि फोन यूजर्स काफी ज्यादा हो चुके हैं। सब चाहते हैं कि आप अपने फोन से ही सब कुछ क्रिएट कर सके, सब कुछ बना सके। वैसे काफी इजी है फोन से भी क्रिएट करना, जो हम आपको बता देंगे आज। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने फोन की तरफ और आपको दिखाते हैं कि कैसे क्रिएट कर सकते हैं जीमेल आईडी आप अपने फोन से, वो भी काफी इजी तरीके से। चलिए, तो जैसा कि आप दोस्तों देख सकते हैं हम आ गए हैं अपने फोन की तरफ और आप देख रहे हैं जीमेल का लोगो। अगर आप भी चाहते हैं फोन से क्रिएट करना तो सबसे पहले आपको जरूरत पड़ेगी एक जीमेल एप्लीकेशन की, जिसके लिए आपको जाना है प्ले स्टोर पे। तो आप देख सकते हैं अभी हम आ गए हैं होम पेज पे प्ले स्टोर के। अब आपको यहाँ ऊपर सर्च करना है जीमेल। जीमेल के ओपन करते ही आपके पास आएगा एक ऑप्शन जिसमें आपको इंस्टॉल करना है। पहले मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है, तो अभी हम करते हैं यहाँ से ओपन। तो दोस्तों मेरा ऑलरेडी जीमेल अकाउंट बना हुआ है, बट आपको अगर नया अकाउंट बनाना है उसके लिए आपको यहाँ से ऐड करना है अकाउंट। अब आप इसमें देख सकते हैं सेटअप ईमेल का ऑप्शन आ रहा है, आप इसको ओपन करिए गूगल। तो गूगल पे ओपन करते ही ये अभी आपका चेकिंग इन्फो करेगा, तब तक आप वेट कर लीजिए। अब यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन आ रहा है एक की, जो साइन इन। अगर आपका ऑलरेडी जीमेल अकाउंट है तो आपको साइन इन करना है, बट हम आज आपको सिखा रहे हैं कि जीमेल अकाउंट क्रिएट कैसे करना है। तो उसके लिए आपको जाना है नीचे दिए गए ऑप्शन पे क्रिएट अकाउंट, उस पर क्लिक करिए। अब इसमें आ गए हैं आपके पास दो ऑप्शन। अगर आप चाहते हैं खुद के लिए अकाउंट क्रिएट करना तो आप क्लिक करिए फॉर माई सेल्फ, और अगर आप चाहते हैं कोई मैनेज करना एक बिजनेस का, जैसे आपका कोई बिजनेस चल रहा हो और आप उसके लिए बनाना चाहते हैं एक अकाउंट, तो आप क्लिक कर सकते हैं मैनेज बिजनेस अकाउंट पे, जिससे आपका जो जीमेल क्रिएट होगा वो बिजनेस अकाउंट के लिए होगा। तो हम क्लिक करते हैं फॉर माई सेल्फ पे। अब आपको इसमें आ रहे हैं दो ऑप्शन, फॉर फर्स्ट नेम, दूसरा आ रहा है सरनेम के लिए। तो आपके ऊपर है, सरनेम आप चाहे तो ऑप्शनल है, अगर आप नहीं डालते तो भी चलेगा। समझ लीजिए अगर आपको क्रिएट करना है यूट्यूब पे कोई चैनल तो उसमें सरनेम का कोई काम नहीं है। तो अभी हम इसमें फर्स्ट नेम पे डालते हैं हमारे चैनल का नाम, क्योंकि हम यूज कर रहे हैं इसको यूट्यूब के लिए। तो हमने इसमें डाल दिया ब्रो टू एक्टिव। दोस्तों नाम याद रख लीजिएगा ब्रो टू एक्टिव। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों, क्योंकि आप देख सकते हैं हमने कितने सेटअप किए हैं आपके लिए, और आपके लिए ही हम इतने इन्फॉर्मेटिव वीडियो ला रहे हैं। आप हमारे वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा, क्योंकि हम इस पर लाने वाले हैं यूट्यूब के सारे क्वेरीज के रिलेटेड सारी वीडियो, हम आपका सारे डाउट क्लियर करने वाले हैं। दोस्तों बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ, सारे डाउट आपके क्लियर करेंगे दोस्तों, वो भी फ्री में, बिल्कुल फ्री में दोस्तों, बिल्कुल फ्री में क्लियर, बिल्कुल फ्री में क्रिएट कर रहे हैं दोस्तों, देख लीजिए आप। आप हमारा सेटअप देख सकते हैं, हमने बहुत मेहनत की हुई है दोस्तों। अगर आपको इस सेटअप के बारे में भी जानना है तो आप हमें कमेंट जरूर करिएगा, हम आपको बताएंगे कि ये सेटअप हमने जो किया है कैसे किया हुआ है। हमारे चैनल पे ऑलरेडी काफी सारे वीडियोस है, यूट्यूब पे कंटेंट क्रिएट करने से लेके बहुत सारी वीडियोस है, आप उसको भी चेकआउट करिए। आपको अनबॉक्सिंग भी मिलेंगी काफी सारी, जैसे कि आप ये माइक देख पा रहे होंगे, ये माइक का भी आपको अनबॉक्सिंग मिल जाएगा जो अभी हमारे मोस्ट ट्रेंडिंग में चल रहा है। तो चलिए अभी हम जो काम कर रहे हैं वो करते हैं। हमने यहाँ लिख लिया ब्रो टू एक्टिव। अब आपको क्लिक करना है नेक्स्ट ऑप्शन पे। तो इसमें आपको डालना है दोस्तों डेट ऑफ बर्थ और जेंडर। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं गूगल यहाँ पे दो बेसिक इन्फॉर्मेशन मांग रहा है आपसे, एक है बर्थ डेट और दूसरा है जेंडर। तो आप अपना बर्थ डेट और जेंडर डाल दें यहाँ पे, और अगर आपकी एज है बिलो 13 ईयर तो आप कोशिश ना करें इस पे जीमेल अकाउंट बनाना,
क्योंकि वो हो सकता है डिलीट अगर गूगल ने अपनी तरफ से कोई वेरिफिकेशन किया तो। इससे बढ़िया है अगर आप है एवो 13 तो आप क्रिएट करें इसमें जीमेल अकाउंट। तो चलिए अभी हम बढ़ते हैं इसमें, आप ऐड करिए डेट, मंथ, जिस मंथ में हो आप, ईयर, यहाँ पे सिलेक्ट करें जेंडर और अब क्लिक करते हैं नेक्स्ट पे। तो इसमें आपको दे दिया है गूगल ने दो ऑप्शन, इसमें आपको मिल गए हैं दो ऑप्शन ऑलरेडी गूगल जीमेल ने अपनी तरफ से दे दिया है। तो अभी हमें आ गया है दो ऑप्शन यहाँ पे जीमेल की तरफ से। और अगर आप चाहते हैं खुद की तरफ से एक कोई आईडी क्रिएट करना तो आप यहाँ पे ऑप्शन देख सकते हैं क्रिएट योर ओन जीमेल एड्रेस। अभी मैं यहाँ पे अपने हिसाब से एक जीमेल एड्रेस ले लेता हूँ जो मुझे काम आएगा आगे, Bro2Active1, क्योंकि Bro2Active ऑलरेडी हमारे पास है। अभी हम Bro2Active1 के नाम से एक जीमेल आईडी क्रिएट करते हैं और अब कर देते हैं यहाँ से नेक्स्ट। तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं होम पेज पे और अगर अब आप जाएंगे जीमेल अकाउंट पे तो आपका जीमेल अकाउंट हो चुका है रेडी। दोस्तों जीमेल अकाउंट हो चुका है रेडी, आप देख सकते हैं बिना फोन नंबर के हमने आपका जीमेल अकाउंट कर दिया है रेडी। देखिए दोस्तों हमारा नाम देख सकते हैं आप Bro2Active और नीचे जीमेल आईडी भी चेक कर सकते हैं Bro2Active1 के नाम से हमने जीमेल अकाउंट क्रिएट कर दिया है बिना मोबाइल नंबर के। तो आप भी करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए। तो दोस्तों अब बन चुका है आपका जीमेल अकाउंट। अब आपको इसमें मैं आपको थोड़ी सी जनरल फंक्शंस दिखाता हूँ इसके। अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे लेफ्ट कॉर्नर पे ऊपर बार पे आप जब क्लिक करेंगे तो ऑल इनबॉक्स आएगा। ऑल इनबॉक्स में आपके सारी मेल्स दिखेंगे जितनी भी आपकी मेल आईडी क्रिएट है। अगर आप उसके नीचे जा रहे हैं तो देखिए एक सेंड का ऑप्शन है। अगर आप कोई मेल किसी को भेज रहे हैं और वो भेजा हुआ मेल आपको दिखेगा सेंड ऑप्शन में, और एक है ड्राफ्ट ऑप्शन जो आपको जरूरत पड़ेगा जब आप कोई मेल टाइप करते हैं और फिर किसी रीजन से आपको उस मेल को वहीं पे छोड़ना पड़ता है तो वो मेल आपको दिख जाएगा ड्राफ्ट में। जो भी सेंड नहीं हुआ है, अधूरा पड़ा हुआ मेल है, वो आपको ड्राफ्ट ऑप्शन में दिख जाएगा। और नीचे है स्पैम, जो भी अननोन मेल आते हैं जो स्पैम होते हैं जिनका कोई काम नहीं होता, वो फालतू मेल सब स्पैम में आपको दिखेंगे। तो अभी मैं आपको बता देता हूँ कि आपको अगर किसी को मेल करना है तो आप वो कैसे कर सकते हैं। तो आपको नीचे बॉटम में दिख रहा होगा एक कंपोज करके, तो आप कंपोज के ऑप्शन में जाए नीचे और इसमें आपको टू पे लिखना है सामने वाले की मेल आईडी। जैसे कि मैं लिख देता हूँ अपनी खुद की मेल आईडी को आप लोग को सिर्फ दिखाने के लिए। तो ये आ चुकी है मेरी मेल आईडी। अब सब्जेक्ट में लिखता हूँ, सब्जेक्ट में आपको डालना है कि आप किसके रिगार्डिंग ये मेल कर रहे हैं और यूट्यूब के लिए। नीचे लिख देते हैं हम कंपोज में कुछ लिख देते हैं आई Bro2Active। तो आप ऐसे मेल क्रिएट कर सकते हैं और इसके ऊपर आपको ऑप्शन आ रहा है एक डाउन राउंड, क्लिक करने के बाद आपको आ रहे हैं दो ऑप्शन अटैच फाइल और इंसर्ट फ्रॉम ड्राइव। आपको अगर कोई इमेज भेजना है, कोई फाइल भेजनी है तो आप इससे अटैच कर सकते हैं, और अगर नहीं भेजना है तो आप खाली मेल राइट करके यहाँ पे देखिए ये जो ऑप्शन है एरो वहाँ पे एक ब्लू लाइट आ चुकी है, तो आप उस पर क्लिक करेंगे तो ये मेल जो है वो सेंड हो जाएगा। देखिए यहाँ से मेल सेंड हो रहा है और ये मेल हो चुका है सेंड। तो आप सेंड में जाएंगे, देखिए आपको दिख गया वो मेल जो आपने सेंड किया हुआ है, और ऑल मेल में जाएंगे तो आपकी सारी मेल आ जाएगी। देखिए अब वो मेल मुझे खुद को आ चुकी है यूट्यूब के रिगार्डिंग Bro2Active से टू मी, यानी ये मेल मैंने खुद को भेजी हुई है। तो आपको दिख रहा है यहाँ पे कहाँ से कहाँ तक मेल गई है, तो आप देख सकते हैं। और अगर आपको जानना है जीमेल के बारे में और भी डिटेल में तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, मैं आपको सारे फंक्शंस इसके बताऊंगा कैसे काम करते हैं। आपको जीमेल की काफी यूज पड़ सकते हैं फ्यूचर में, क्योंकि जीमेल हर जगह यूज होता है दोस्तों। तो आपको अगर जीमेल के सारे फंक्शंस के बारे में जानना हो तो हमें जरूर कमेंट करिएगा, हम आपको सारे फंक्शंस के बारे में बताएंगे जीमेल के। और ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि हमने देखा है हमारे चैनल को लोग देख रहे हैं, हमारे चैनल पे काफी व्यूज आ रहे हैं दोस्तों, लेकिन सब्सक्राइब कोई नहीं कर रहा। सब्सक्राइब करिए ताकि हम और मोटिवेटेड होकर आपके लिए और भी अच्छे इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाते रहें। और मिलते हैं हमारे यूट्यूब के क्वारीज के अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।